अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अगर आप फ्रेश हैं और ड्राइवर का जॉब सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। आप फ्रेश हैं और छोटी गाड़ी आप चला लेते हैं और आपके पास इंडिया का चिप कार्ड वाला लाइसेंस है, पासपोर्ट ACR चाहे SNR कोई सा भी हो, और आप कंपनी का जॉब सर्च कर रहे हो, हाउस ड्राइवर में नहीं जाना चाह रहे हो, तो ये जॉब आपके लिए है। सऊदी के अंदर एक कंपनी है हेरफी फूड, ठीक है, और बहुत बड़ी कंपनी है हेरफी फूड का। उसको चाहिए सेल्समैन कम ड्राइवर, ठीक है, ACR और पासपोर्ट भी चलेगा। ड्यूटी 8 घंटा है, सैलरी बहुत अच्छा लगाया है, इसमें टिप अच्छा खासा कमाई हो जाता है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज का जो जॉब के बारे में अपडेट में इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ड्राइवर का जॉब सर्च कर रहे हो, फ्रेश हो, सऊदी जाना चाह रहे हो, आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, कार अच्छे से चला लेते हो, तो पासपोर्ट ACR ही चलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए है और भगाना नहीं है वीडियो को, पूरा अच्छे से देखना है, समझना है, और उसके बाद में जिस तरीका से मैं बताऊंगा सारा डिटेल मैं यहीं पे बताऊंगा, और उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसके बाद कॉन्टेक्ट करना है। और अगर आपको सोचना है कि हमारा इस कंपनी में हो जाए जॉब, तो जल्दबाजी नहीं करना है, समझ लेना है अच्छे से, समझ के उसके बाद यहीं पे नंबर मैं दूंगा इसी वीडियो के अंदर लास्ट में दे दूंगा, जो आपको डॉक्यूमेंट जिस पे भेजना होगा, ठीक है। कोई भी आपसे एडवांस पैसे नहीं लिया जाएगा और वीजा एकदम से रेडी है। अगर आप चाहेंगे जिस तरीका से मैं बताऊंगा इसी हिसाब से अगर आप अपने जॉब को प्रोसेस करोगे तो 10 दिन के अंदर आप सऊदी के अंदर रहेंगे, ठीक है। कोई भी एडवांस पेमेंट आपको नहीं देना है, काम होने के बाद चेक करो सारा पेपर, डॉक्यूमेंट, वीजा, उसके बाद पेमेंट करो, ये है हमारा प्रोसेस। तो बस यही करूँगा कि वीडियो को भगाना नहीं है, वीडियो भगाओगे पूरी बात समझ नहीं पाओगे, नंबर मिल जाएगा, आप फोन करोगे कि मैं फ़ोन करके सारा डिटेल में पूछ लूँ, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी डिटेल में पूछ लूँ, या जानने के बाद फिर भी मैसेज करो तो बोलो कि इस टाइप का कुछ काम है कि नहीं है, तो आप नहीं जा सकते हो। क्योंकि क्यों नहीं जा सकते हो मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने वीडियो जो देखा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया है, बस खाली आपके पास नंबर है और आपको ये पता है कि इस एजेंसी में ये वैकेंसी आया हुआ है, तो आप ये फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे पूरी डिटेल में जानकारी के लिए। तो जो डिटेल में जानकारी आपको चाहिए वो हमारे पास इतना नहीं टाइम है कि हम सबको व्हाट्सएप पे मैसेज करके और फ़ोन करके पूरे डिटेल में जानकारी आपको बताऊं, ठीक। हमने वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि वीडियो एक बनाऊं और पूरी डिटेल में बता दूं, सारा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाए। और जब वीडियो देख के करोगे तो आप फटाफट, तब कुछ पता ही है, पूछोगे है नहीं, क्योंकि पूछोगे तो जब तक आपको रिप्लाई मिलेगा, जब तक आपको समझ में आएगा, वैकेंसी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कहने मतलब यही है कि वीडियो पूरा देख के अच्छे से समझ के फिर अपने जॉब को प्रोसेस करिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक बात और बोलूँगा कि अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर आईडी इधर आ रहा है, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके फोन के अंदर मोबाइल के अंदर टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम सेम व्हाट्सअप के जैसा होता है, प्ले स्टोर पर जाके और डाउनलोड करके रजिस्टर करके पहले बना लेना टेलीग्राम अपने फ़ोन के अंदर, फिर लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारा चैनल का नाम आएगा, ज्वाइन का बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि बहुत से बंदे बोलते हैं कि भैया हम ये जॉब के लिए वेट करते हैं, बहुत से कमेंट करते हैं भाई कि मुझे ये जॉब चाहिए, इस जॉब का कुछ वीडियो है तो भेजिए, ये वैकेंसी हो तो भेजिए। तो हमारा कहने मतलब है कि आप टेलीग्राम पे जब बने रहेंगे तो हमारे पास में बहुत सारा वैकेंसी रहता है, डेली वैकेंसी आता है, बड़ी बड़ी कंपनी का अच्छे अच्छा जॉब, अच्छी अच्छी सैलरी, फ्रेशर रिटर्नर का, हर कैटेगरी का, हर टाइप का जॉब रहता है। तो हम जो है ना यूट्यूब पे जो नहीं डाल पाता हूँ, टाइम इतना नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम पे जो कंपनी का डिमांड लेटर मुझे मेल आता है वो सारा डिमांड लेटर डायरेक्टली हम टेलीग्राम पे भेज दिया करते हैं। तो आप उसमें बने रहेंगे तो हर टाइप का आपको जॉब के बारे में अपडेट मिलता रहेगा, तो आपको अपने हिसाब से फिर अपने जॉब को प्रोसेस करने में आसानी होगा, ठीक है। तो वीडियो कर लेते हैं अभी स्टार्ट। सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है हेरफी फूड, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये रियाद के अंदर हेड ब्रांचेस का है, जो भी बंदे जाएंगे फ्लाइट होगा वो रियाद जाएंगे, रियाद जाने के बाद में फिर वहाँ उनका लाइसेंस इकामा वकामा बनने के बाद फिर कंपनी को जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ ट्रांसफर करेगा, नहीं तो रियाद में ही रखेगा, वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है। इसको चाहिए सेल्समैन कम डिलीवरी ड्राइवर, और कोई भी सप्लाई का वीज़ा नहीं लगेगा, डायरेक्ट हेरफी का वीज़ा लगेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको 50 लड़के चाहिए सेल्समैन कम डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है। इंडिया का छोटी गाड़ी का लाइसेंस और हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस दोनों चलेगा। अगर आपके पास में छोटी लाइसेंस हो चाहे बड़ी गाड़ी, चिप कार्ड वाला लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसने सैलरी दे रहा है 1200 बेसिक सैलरी प्लस 200 खाने के लिए, यानी टोटल आपको 1400 सैलरी देगा, प्लस आपको कमीशन मिलेगा, मतलब कमीशन जितना एक टाइम गाड़ी में माल भर के जितना डिलीवरी आप करते हो उसके हिसाब से अलग से कमीशन मिलता है। इसके अंदर कमीशन को मिला के इतना अच्छा सैलरी उठता है कि 2500 से 3000 फ्रेशर बंदे सैलरी उठाते हैं, ठीक है।
और जो ड्यूटी है वो आपका 8 घंटे का ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद में 1 घंटा जो है वो लंच का रहेगा, ठीक। तो 8 घंटे के बाद में जो और ओवर टाइम करोगे वो अलग से आपका फ़ायदा है, यानी इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। और उसके बाद में 8 घंटे की ड्यूटी और 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल के बाद आने जाने का कंपनी टिकट देगी, उसके बाद में कंपनी फैसिलिटी आपको देगी, कार गाड़ी देगी, लाइसेंस बनवाएगी, आपका इकामा बनवाएगा, मेडिकल का कार्ड देगा, जिस तरह तबीयत खराब होगा वो आप वही कार्ड दिखा के दवा और कर सकते हैं, और रूम रहने के लिए देगा, सब कुछ फैसिलिटी कंपनी देगी, ठीक है। आपका कोई भी सैलरी मेथी नहीं काटेगा, सब कुछ फ्री है, बस आपको खाना बना के खाना है, खाना का पैसे 200 रियाल आपको दे ही रहा है कंपनी। और उसके बाद में इसमें ACRL भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो उम्र है पासपोर्ट के हिसाब से 25 कंप्लीट हो गया हो और 35 के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको इंग्लिश में बात करना पता हो और लोकेशन पे गाड़ी चला सको, ठीक, और जब भी आपको अप्लाई करना है। और दूसरी बात यह है, आप समझना है डॉक्यूमेंट के बारे में कि अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले क्या करना है, अपना लाइसेंस और पासपोर्ट और वैक्सीन का रिपोर्ट लेके कोई कंप्यूटर की दुकान पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाके पहले एक अच्छे से CV बनवाना है, CV में प्रोफेशन डालना है, सेल्समैन कम ड्राइवर, ठीक है, और अपना पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज स्कैन कर लेना है कंप्यूटर के दुकान से, जो प्रिंटर मशीन होता है उससे स्कैन करवाना है, और वैक्सीन का रिपोर्ट स्कैन करवाना है, ड्राइविंग का लाइसेंस फर्स्ट लास्ट पेज और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ये अच्छे से स्कैन करके एक PDF फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद में फ़ोन के अंदर रख लेना है। और फिर आपको कार लेना है, गाड़ी लेके और कोई एक बंदे को दोस्त यार को साथ में लेना है, ठीक है, और पहले ये सारा चीज़ उसको गाइड कर देना है, और गाड़ी के पास में आपको खड़े होना है, ठीक है, जैसा गाड़ी पार्क करके आगे अपना खड़ा हो जाओ, और जो वीडियो बनाए और लाइसेंस अपने पास रखो, और जो वीडियो बनाएगा उसको बोलो अपना मोबाइल लेके, और मतलब आप पीछे साइड से जाके कैमरा स्टार्ट करें, मतलब थोड़ा इतना पीछे जाए कि कैमरा अगर हम चालू करता हूँ तो आपका पूरा बॉडी आना चाहिए और कौन सी गाड़ी जा रहे हो चलाने वो भी आना चाहिए। वहाँ से स्टार्ट करके आपके करीब आए, फिर अपना नाम बताओ, मेरा नाम ये है, मेरा इतना उम्र है और मेरा ये एजुकेशन है, मैं इंडिया में इतने साल से गाड़ी चलाता हूँ, ये मेरे पास इंडियन लाइसेंस है, ठीक है, और मैं अभी गाड़ी चला के दिखाऊँगा, और मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ हेरफी कंपनी में सेल्समैन कम ड्राइवर के काम में, मेरा सैलरी 1200 प्लस 200 है, मैं इस काम के लिए रेडी हूँ जाने के लिए, ठीक है। इतना बोलने के बाद में फिर आप जाके गाड़ी में बैठिए, ठीक है, तो आप जब इतना बोलने के बाद जब चलेंगे गाड़ी में बैठने के लिए, तो वो जो वीडियो बनाएगा बंदा वो थोड़ा मतलब फिर थोड़ा पीछे हट जाए, आप आराम से जाओ, गाड़ी खोलो और उसके बाद बैठो सीट पे, और पहला फर्स्ट चाबी लगाओ और सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद में न्यूट्रल देखो, फिर गाड़ी स्टार्ट करके कुछ दूर लेके जाओ, फिर लेके आओ, बैग लेके आओ, ऐसा करके एक वीडियो बना लो, ठीक है। और वीडियो में इंग्लिश में बोलना है, मैं आप लोग से बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो तो नहीं भेजना डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में बोलना है, जो मैं बताया हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरा इतना उम्र है और मैं इंडिया में यहाँ से रहने वाला हूँ, ये मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं गाड़ी यहाँ पर चलाता हूँ इंडिया में इतने साल से, और मैं अभी सऊदी अरब में हेरफी कंपनी में आ रहा हूँ सेल्समैन कम ड्राइवर के काम में, और मेरा सैलरी यानी 1200 है प्लस 200 खाने के लिए, यानी 1400 मिलेगा, और मैं इस काम में आने के लिए एग्री हूँ, ठीक है। इतना बोल के फिर उसके बाद में गाड़ी इंग्लिश में बोलना है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इतना बोल सकते हो जब ही डॉक्यूमेंट भेजना। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, कहीं से रिटर्न है, और बहुत से बंदे ऐसे सोचते हैं यार कि हम रिटर्न है लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप रिटर्न है लाइसेंस नहीं है, इंग्लिश नहीं बात कर सकते हो लेकिन लोकेशन पर गाड़ी चला सकते हो और अरबी आपको मालूम है, तो भी आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यही है कि इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अरबी में बोलना है, ठीक है, बताना है, और डॉक्यूमेंट सब स्कैन करना है, और जो आपका बाहर से रिटर्न होंगे जो भी कंट्री से, उसका आपके पासपोर्ट पे लाइसेंस वीजा लगा होगा, वीजा कॉपी स्कैन कर लेना है। और अगर आपके पास में गल्फ की कोई भी कंट्री का लाइसेंस भी है और फिर भी आप जाना चाह रहे हो, बहुत से के बाद बंदे पास रिटर्न होते हैं कोई और काम में जाके, या ड्राइवर के ही काम में उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन ये काम में अगर जाना है तो जा सकते हो, अगर लाइसेंस है फिर भी इतने सैलरी में आप जा सकते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस आपको जो रिटर्न हो तो आपको अरबी बोलना है, अरबी नहीं तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बात करके उसके बाद वीडियो बनाना है। डॉक्यूमेंट जितना सही, वीडियो को जितना सही अच्छे से क्लियर बना के फिर उसके बाद में यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भेजोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जल्दबाजी करके खराब फोटो खींच के मोबाइल से खींच के भेजने से काम नहीं होता है, अच्छे से रेडी करके भेजिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे। आपका जब डॉक्यूमेंट आएगा
तब सारा चीज़ चेक किया जाएगा, जैसे मैंने बताया हूँ सब हिसाब से आपका ओके है तो आपका पहला फर्स्ट सर्विस चार्ज क्या लगेगा ये आपको बता दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं हेल्प में अगर जाता हूँ तो मेरा क्या पैसे लगेगा, ठीक है। लेकिन आपसे कोई भी एडवांस पेमेंट लिया नहीं जाएगा। अगर आप एग्री हैं कि हाँ इतना पेमेंट पे कर सकता हूँ तो फिर उसके बाद में आपको वीजा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप मेडिकल कराइए, उसके बाद मेडिकल फिट होने के बाद बता दीजिए मैं फिट हो गया हूँ, आपको ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, डायरेक्टली अपना डॉक्यूमेंट ला के ऑफिस जमा कर सकते हैं, नहीं तो बाय कोरियर से भी भेज सकते हैं। और मेडिकल कहीं से भी आप करिए, सब ऑनलाइन है, जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें जाना तो जिस तरीके से बताया हूँ उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसके बाद में फिर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। बाकी का कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, बगैर सब्सक्राइब करके देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट जॉब के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।